संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वह आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करेगा। एसकेएम ने कहा कि उनकी पंजाब इकाई 18 फरवरी को जालंधर में एक बैठक करेगी और उसके बाद घटनाक्रम की समीक्षा करने और भविष्य की रणनीति के लिए सुझाव देने के खातिर नई दिल्ली में एनसीसी और आम सभा में बैठकें होगी। भारत बंद को लेकर दिन के समय एक बयान में एसकेएम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने वर्ष 2020-21 में धरना समाप्त करने के लिए किए गए वादों को पूरा न करके किसानों के मुद्दों पर माहौल खराब किया। एसकेएम ने एक बयान में कहा कि आंदोलन तेज करने का फैसला किया है, श्रमिकों और अन्य सभी वर्गों के समन्वय के साथ बड़े पैमाने पर आह्वान करके आंदोलन को तेज किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने जानबूझकर किसानों के मुद्दों पर माहौल खराब किया है और लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि वह सच्चे और ईमानदार हैं। एसकेएम ने सरकार द्वारा किए गए वादों का जिक्र किया। एसकेएम ने आरोप लगाया कि 7 महीने बाद उन्होंने उन लोगों के साथ मिलकर एक गुट बनाया जो खुले तौर पर एमएसपी देने का विरोध कर रहे हैं और फसल विविधीकरण तथा शून्य बजट प्राकृतिक खेती को इनके एजेंडे में जोड़ा गया। साथ ही किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि बातचीत के नाम पर अब वे लोग बेवकूफ बनाने के लिए शंभू में प्रदर्शनकारियों के पास मंत्रियों को भेजकर वार्ता का मजाक बनाया जा रहा है और चर्चा के बिंदुओं और प्रगति को गुप्त रखे हुए हैं। इस तरह पूरे देश के किसानों को अंधेरे में रखा जा रहा है। संगठन ने कहा कि नरेंद्र मोदी की कॉरपोरेट और सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ किसानों में कितना गुस्सा है या आज ग्रामीण भारत बंद में उनकी भारी भागीदारी से साफ हो गया।